दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना 2018 इस समय चल रही है और उसके लिए लोगों को गोल्डन कार्ड भी भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गोल्डन कार्ड उनको भेज रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपके शहर में या आपके गांव या आस पड़ोस में वो कौन से अस्पताल हैं जो आयुष्मान भारत के लिए काम कर रहे हैं, मतलब वो कौन से अस्पताल है जहां पर आपका फ्री में इलाज होगा। वो प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, या वो आप कैसे पता करेंगे, आप कहां से पता करेंगे कि सपोज दैट आपके पास आयुष्मान भारत में आपका नाम भी है और आपका कार्ड भी बना है और आपको इलाज करवाना है तो आप किस अस्पताल में जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि सभी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कुछ चुनिंदा अस्पताल हैं, कुछ में कुछ गवर्नमेंट भी शामिल है, कुछ प्राइवेट भी शामिल हैं, तो उनको आज हम बात करेंगे कैसे आप पता करेंगे। तो चलो जान लेते हैं वो सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं लगातार यहां पर अपडेट लाता रहता हूं आयुष्मान भारती से रिलेटेड, सॉरी आयुष्मान भारत योजना से रिलेटेड। तो अब आपको बता दूं मैं, जैसे आप आते हैं इनकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट आयुष्मान भारत की, आप इसका लिंक देख सकते हैं। यहां पर आप सारी चीज देखेंगे तो हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट, मतलब कि यहां पर जो हॉस्पिटल जुड़ना चाहता है आयुष्मान भारत से वो यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद मान लो, अब मैं आपको एक क्लियर बात और कर दूं, इसे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों में आपका फ्री में इलाज किया जाएगा दोस्तों, ये तो तय बात है। लेकिन अब हॉस्पिटल के नाम कैसे पता करेंगे, तो इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको लिखा है लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन फॉर दिस पेज विल बी शेयर्ड सून, अभी जो हॉस्पिटल के नाम है वहां पर यहाँ नहीं दिए गए हैं और जल्दी आपके साथ साझा कर दिए जाएंगे सभी स्टेट के हॉस्पिटल, सभी जिले के हॉस्पिटल। अगर आपको अपडेट चाहिए तो अपना यहाँ मेल डालकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप यहाँ पे मेल डाल देंगे तो आपके पास नोटिस पहुंच जाएगा कि आज हॉस्पिटल की लिस्ट यहाँ पे अपडेट कर दी गई है। ये तो हो गया सरकार का काम। अब मैं बात करता हूँ कि आपको कैसे पता करेगा। मैं आप सोचेंगे तो फालतू का वीडियो आपने बना दिया, मुझे कुछ पता नहीं चला, तो बट उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। आप डायरेक्टली सर्च करिएगा हॉस्पिटल अंडर आयुष्मान भारत इन कानपुर या लखनऊ, जहां से आप रहते हो, मेरठ, MP, जहां भी आप रहते हो, जैसे आप सर्च करेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी लिस्ट यहां प्रोवाइड नहीं की गई है जो मैं आपको बता सकूं। लेकिन अगर आप ऐसे सर्च करते हैं अपनी सिटी में, ठीक है, पता करना चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे कि आप देखेंगे कानपुर 2 लाख पीपल, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट खुलकर आ जाता है। और जैसे आप यहां पर नीचे आते हैं तो देखिएगा यहां पर इन्होंने बताया योजना के लिए प्रस्तावित प्राइवेट अस्पताल जो प्रस्तावित हुए हैं, IQ विजन सेंटर, ये कानपुर की बात कर रहा हूँ, कानपुर में ये सारे अस्पताल हैं जो प्रस्तावित हुए आयुष्मान भारत के लिए, ये सब प्राइवेट अस्पताल हैं। शर्मा नर्सिंग होम, न्यू कबरा हॉस्पिटल, गायत्री नर्सिंग होम, चांदनी नर्सिंग होम, राजा राम हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, फॉर्चून। और अगर सरकारी अस्पताल की बात करें उनका भी यहाँ प्रस्तावित सरकारी अस्पताल यहाँ पर दिए गए, हाईलाइट हो गया, जैसे बहुत ही KPM, JK कैंसर, कांशीराम, उर्सला, डफरेन, CSC सरसौल, CSC चौबेपुर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा, कुछ देर में लिस्ट आ जाएगी, उसका मैं वीडियो फिर से बना दूंगा, लेकिन आप अपने सिटी के नाम से सर्च करेंगे तो आप कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। और जैसे कोई हॉस्पिटल का लिंक यहाँ पे आता है, जैसे हॉस्पिटल की लिस्ट यहाँ पे अपडेट होती मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचे। वो सोच रहे हैं कि अभी फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं, सॉरी अभी हॉस्पिटल का चयन हो रहा है, धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएंगी, तब तक लिए आप वेट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।